हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन द वर्चुअल वर्ल्ड। हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे पाइथन में जो कमेंट है मल्टी लाइन कैसे यूज कर सकते हैं। उस दिन हमने देखा था कि कैसे हम पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, आज हम देखते हैं। सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे नई डायरेक्टरी में समझा सकूँ अच्छे से, ताकि क्लियर कॉन्सेप्ट हो सके आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, तो मैं पाइथन में एक नई डायरेक्टरी बना लेता हूँ। dir दैट्स नेम इज पाइथन फाइल। ठीक है, अब हम इसी में काम करेंगे। आप लोग देखते हैं देखेंगे कि यहाँ पे पाइथन फाइल्स के नाम से बन गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दो बनी हुई है पाइथन फाइल्स। हमको लगा है पुरानी वाली जो है पहले से बनी हुई है पाइथन फाइल्स, ये अभी की है। ठीक है, इसमें हम काम करेंगे। तो इसमें VS कोड को ओपन कर लेते हैं, तो सीडी कर लेंगे, सीडी पाइथन। ठीक हो गया, अब इसी में VS कोड को ऑन कर लेंगे, कोड डॉट लिख देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक हम फाइल यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। इस फाइल का नाम देंगे पाइथन के ही है फाइल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम देंगे MLT मल्टी लाइन। ठीक है, MLT.py। ठीक है, MLT.py। ओके, अब इसमें मल्टी लाइन कमेंट हम सकेंगे, सिंगल लाइन कमेंट जो किए था। ठीक है, ये हो गया मल्टी सिंगल लाइन, ये हो गया देखिए मल्टी लाइन। देखिए ठीक है दोस्तों, आप इस दोनों को समझ लीजिए। ये मल्टी लाइन होता है कमेंट, आप इसको जहाँ मन करे वहाँ से वहाँ तक कर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, और आप इसको जैसे भी करके कर सकते हैं। ये इसका प्रोग्राम में कोई यूज नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई यूज नहीं रहेगा इसका प्रोग्राम में। जैसे हम लिखते हैं एक प्रोग्राम जिसमें प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। ओके दोस्तों, अब हम इसको अगर प्रिंट करते हैं तो हम देखेंगे आंसर हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मिल गया। ठीक है, आप ये वाई मत देखें, इस वाई को इसमें है, इसलिए इस वाई को इसमें मत जोड़ के देखें, अदरवाइज हम प्रोग्राम के आगे पीछे कमेंट ऐड। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट, ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको अगर प्रिंट करते हैं देखेंगे तो सिर्फ इतना ही आया जितना इसमें। ठीक है, तो हम इस चीज को अगर समझ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। ओके दोस्तों, तो सिंगल लाइन कमेंट ये हो गया आपको, और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट ये हो गया आपका। ओके दोस्तों, तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो आप प्रोग्राम में कहीं भी कमेंट लिख के देख सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं ये कोड किस चीज के लिए लिखा हुआ है। क्योंकि कमेंट इसीलिए लिया जाता है ये पता लगा दे कोई जो प्रोग्रामर है बनाया हो किस काम के लिए ये बनाए रखा है। ठीक है, अब इतना हम समझ लिए। अब डेटा टाइप में समझते हैं। डेटा टाइप में तो हमने एक वेरिएबल लिया एक्स नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे तो वेरिएबल क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहला, वेरिएबल में कोई मायने नहीं रखता आप अपर केस रखते हैं या लोअर केस रखते हैं, ये मायने नहीं रखता। पर अगर अपर केस रखते हैं तो अपर केस वाला वेरिएबल अलग माना जाएगा, लोअर केस वाला वेरिएबल अलग माना जाएगा। जैसे कि x इज नॉट इक्वल टू टू x, ये इस छोटे x के बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये x और ये x दोनों अलग अलग हैं, एक समान नहीं है।
ये कंडीशन आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि हम जो भी नाम से वेरिएबल कर रहे ले रहे हैं उसे उसी जो कि केस में हमें यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर स्मॉल केस है तो एक्स बराबर हम 10 ले रहे हैं और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कैपिटल एक्स को, तो ये वैलिड नहीं है। देखिए ये दे रहा है, आपको देख रहे होंगे तो दे रहा होगा आपके यहाँ पे नीचे अंडरलाइन में एक्स इज नॉट डिफाइनेड। अगर हम यही कैपिटल एक्स को डिसाइड कर ले रहे हैं बराबर 10 कर ले रहे हैं, तो ये देखिए अब हो गया है, सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये लिटरल दे रहा है क्योंकि एक्स का लिटरल 10 हमने दे रखा है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। दूसरा, हम वेरिएबल कभी भी नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते, जैसे 1x ऐसे नहीं कर सकते, ये भी गलत है। हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं x एक्स 1 कर सकते हैं, उसके बाद जो भी वैल्यू है डिसाइड कर सकते हैं। अदर हम किसी वेरिएबल के बाद डॉट नहीं यूज कर सकते, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ये वैलिड वेरिएबल होता है। वेरिएबल में हम कोई वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट वगैरह कोई भी, ठीक है, लिस्ट डिसाइड कर सकते हैं, टपल डिसाइड कर सकते हैं, पर हम वेरिएबल में डॉट लिख के ऐसे जैसे एक्स डॉट वाई डॉट ऐसे करके लिख के नहीं लिख सकते ऐसे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखते हुए हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है एक्स बराबर 10, वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। हम ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 20 प्रिंट करेंगे तो एक्स का मान और वाई का मान जो हमें दिख जाएगा, ठीक है, 10 and 20, एक्स का मान 10 है, वाई का मान 20 है, ठीक है। ये दोस्तों समझने वाली बातें हैं, इस हिसाब से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं डेटा टाइप। टाइप जो हम कल थोड़ा मोड़ा देखे थे उसी में आज टाइप ठीक से देखना है ताकि हमें समझ में आए डेटा टाइप में। देखिए इंटीजर क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। इंटीजर वे नंबर होते हैं जो पूर्ण नंबर होते हैं, जैसे पूर्णांक कहा जाता है उसे इंटीजर इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। तो इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है। एक्स बराबर 10, ठीक है। अब 10 क्या है, पूर्ण नंबर है, इसलिए क्या कहा जाएगा, इंटीजर कहा जाएगा। अब यही कैपिटल एक्स लेता हूँ मैं और एक्स बराबर 10.7 दे देता हूँ, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं इन दोनों का टाइप, एक्स टाइप लेते हैं। टाइप बताया था आप लोगों को कि एक फीचर होता है जो किसी डेटा का टाइप बताता है, और एक और टाइप है उसे लेते हैं, इसमें कैपिटल एक्स लेते हैं, ओके। आपको कंफ्यूज करने के लिए या फिर अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक ही नाम से दो वेरिएबल लिया है, एक ही कैरेक्टर से, और ये दोनों स्मॉल और कैपिटल है, इसलिए आपको अगर नहीं समझ आ रहा हो तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। कैपिटल है। अब आप इसको देखें, एक्स जो बाद में है तो देखें तो ये इंटीजर हो गया, दूसरा फ्लोट हो गया। तो 10.7 है, ये फ्लोट नंबर आता है, डेसिमल नंबर आता है, इसलिए इसे फ्लोट कहते हैं। तो आप फ्लोट और इंटीजर में समझ गए होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो मैं इसको अब चेंज कर दे रहा हूँ, नंबर यही रहेगा, बस मैं इसको कोटेशन में डाल दे रहा हूँ, सिंगल कोट में। आप देखेंगे यही इंटीजर से अब स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो अब स्ट्रिंग हो गया है, क्योंकि मैंने इसको कोटेशन में डाल दिया, तो अब इसको ये क्या समझेगा कि अब इसको ये नंबर नहीं समझेगा, इसको अब स्ट्रिंग समझेगा, क्योंकि स्ट्रिंग ऐसे ही असाइन किया जाता है किसी भी चीज़ में, किसी वेरिएबल में। अदरवाइज मैं किसी का नेम असाइन कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे किसी का नेम असाइन करके भी दिखा सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखा है,
ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे भी करके यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं लिस्ट और टपल आते हैं, वो मैं इसको आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि इन चीज़ों का आप अच्छे से डिस्कस करके समझ सकें। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको समझ आई आ गई होंगी तो अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, हम आपको लिस्ट और टपल बताएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।